आप अंदाजा लगाइए। दूसरी एक रिवायत इस जहन्नुम की शिद्दत को समझने के लिए, इसकी हौलनाकी और तकलीफ को, वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नुम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से गुजारिश की, इल्तिजा की, रिक्वेस्ट की कि मैं इतनी ज्यादा गर्म हूं कि मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा जाता है। एक आंख, जहन्नुम की सारी आंख बराबर नहीं है, अलग अलग है, तो मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको मोहलत दी और छूट दी दो सांस लेने की, मोहलत और छूट दी, एक वो छोड़ती और एक अंदर लेती। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब वो सांस छोड़ती है तो दुनिया में गर्मी का मौसम आ जाता है, और जब सांस लेती है तो दुनिया में सर्दी का मौसम आ जाता है। वो चीज़ की शिद्दत यह है कि उसकी शिद्दत से दुनिया की गर्मी तपिश ऊंची और नीची होती है। मैं समझता हूँ ये चीज़ हमारे सामने वाजे हो जाएंगी कि उसकी हौलनाकियाँ क्या है।